subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. बिग बॉस 14 से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हाजिर हम आप सभी के बीच। वर्ल्ड शो का एक शानदार प्रोमो आउट किया गया है मेकर्स द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और शेमफुल है। दरअसल आपको बता दिया जाए तो अपने आप को नॉमिनेशन से बचाने के लिए एक नया टास्क होने वाला है घर के अंदर, जहां पर अपोजिट में यानी कि दूसरे के अपोनेंट बने हुए नज़र आ रहे हैं निक्की तंबोली और राहुल वैद्य। पहले तो उन्हें बातचीत से ये बताना है कि किस खामियों की वजह से किस सदस्य को घर से बाहर हो जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर हैं, तो बातचीत में तो ये दोनों हार नहीं मानेंगे, जिसके बाद छीना छपटी शुरू हो जाएगी। और इसी बीच निक्की तंबोली कुछ ऐसा कर देगी जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा राहुल के साथ साथ सभी घर के सदस्यों के लिए। आपको बता दिया जाए तो दोनों के हाथ में कुछ वायर जैसा होगा। वो एग्जैक्ट क्या चीज़ है इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के हाथ में एक लंबी सी वायर होगी और जिसके पास वो वायर रह जाती है वो इस टास्क को जीतता हुआ नजर आएगा, यानी कि नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगा। ऐसे में देखने को मिलता है कि किस तरह से निक्की वो पूरी वायर होल्ड कर लेती है और उसे अपने लोवर के अंदर डाल देती है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। हालांकि निक्की के मन में बिल्कुल भी पछतावा नज़र नहीं आ रहा इस हरकत पर, और वो इस हरकत को अपनी जीत मानती हुई नज़र आ रही है। वेल, इस बात का फैसला तो खुद बिग बॉस करेंगे कि क्या सच में निक्की सेफ हो जाएगी एविक्शन से या फिर नहीं। वेल, आपका क्या कहना है निक्की की इस हरकत पर, अपने कॉमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.